तो हागरगा की आवाम से जानना चाहेंगे कि गुलबर्गा नॉर्थ से कांग्रेस पार्टी से किसको टिकट मिलना चाहिए, कौन कैंडिडेट होना चाहिए, जैसा कि इलियास सेठ है, कनीस फातिमा मैडम है, तो दोनों में से किसको टिकट मिलना चाहिए? हमारे मजहब में जो है औरत को बड़ा बनाने का काम नहीं है, यानी हमारा रहबर औरत को बनाने का काम नहीं है हमारे मजहब में, उसके हिसाब से औरत नहीं होना चाहिए बस। लास्ट टाइम जो मजबूरी थी कर दिए थे सब जने वोट उनको, पर अब तो ऐसा माहौल बन रहा है कि कनीस फातिमा को कोई भी लाइक नहीं कर रहे होता। इस पार्टी से तो कनीस फातिमा मैडम इलियास सेठ रहे तो जो है ना जो है कारोबार वालों को ज़रा देखेंगे करेंगे बोल के थोड़ा उम्मीद है इलियास सेठ रहे तो बेहतर रहता मेरे हिसाब से। हम आपको ये बताना ज़रूरी समझेंगे कि ये हमारा सर्वे सिर्फ इसलिए चल रहा है कि ये पब्लिक का ओपिनियन सिर्फ इसलिए ले रहे हैं हम क्योंकि गुलबर्गा नॉर्थ से जो कांग्रेस पार्टी से जो दो नाम सामने आ रहे हैं एस्पिरेंट के लिए, जैसे कि इलियास सेठ है, कनीस फातिमा मैडम, तो दोनों को लेकर सिर्फ ये ओपिनियन चालू है, ना कि MLA कौन बनेगा गुलबर्गा से। ये मैडम तो थे पहले, उतना तो काम नहीं करेगा अभी मैडम, हमारे साहब रहे तो बात अलग थी। जो है हमारे MLA वही रहना अच्छा रहता है। इलियास सेठ दोनों में से जो हो ना सिर्फ जेंट्स होना चाहिए, उन्होंने लेडीज हैं कुछ काम कर नहीं सक रहे हैं, और मुस्लिम होने से पर्दे में रहते हैं, बाहर आते हैं तो कुछ काम कर नहीं सकते उन्होंने। अभी मैडम का क्या लेके फिरेंगे अभी? अभी मैडम के हाथ से कहाँ हो जाएगा वो काम जो इलियास सेठ कर सकते? पहले क्या है खमर साहब थे उन्होंने कर देते थे अच्छे खासे काम, अभी क्या है मालूम है अभी इलियास सेठ को जो है ना जरा फिर के करके राउंडिंग पे रहते हैं इलियास सेठ को मालूम हो जाता है। जैसे कि सुपरमार्केट में भी हमारा ओपिनियन हो गया, दरगाह में हो गया, अभी हागरगा क्रॉस पे है, तो सारे ओपिनियन में हमें कमेंट्स नज़र आ रहे हैं कि ये एरिया में सर्वे कीजिए, ये एरिया सब ये सर्वे कीजिए, तो इसीलिए सारे लोगों का कमेंट को मद्देनजर रखते हुए ये ओपिनियन जारी है। इलियास सेठ तारीख में अगर काम करने वाले होना है तो एक लेडीज से काम नहीं हो रहा, अगर जवान में उनको अगर दिए वो तो उनको दे सकते हैं इलियास साहब को। दोनों नहीं चाहिए, नासिर उस्ताद साहब आना चाहिए। इलियास सेठ गुलबर्गा नॉर्थ से MLA कैंडिडेट कौन होना चाहिए? इलियास सेठ नहीं, मैं नाम बताने से मैं ये करता हूँ, परहेज करता हूँ। मैडम ये तीसरा कोई है और जी, ये दोनों में से एक ही अच्छा है, इलियास सेठ को लाना पड़ता, हमारे तो बिरादरी आदमी है वो तो जी। मेरे ख्याल में इलियास सेठ गुलबर्गा नॉर्थ से MLA कैंडिडेट कौन होना चाहिए? इलियास सेठ क्या मैडम, क्या हम कैसा बोलना है तो कौन हो? जैसे कि इलियास सेठ है, कनीस फातिमा मैडम, दोनों में से कौन? अगर इस स्क्वाड को दूसरे को दिए तो हम बोले तो चले जाता ना। आपका ओपिनियन बोलिए। आपका ओपिनियन क्या? मेरा ओपिनियन है इलियास सेठ को देना चाहिए। इलियास सेठ वक्त देखिए, अभी मैडम तो 5 साल से है, मैडम तो विजिट हो रहे नहीं यहाँ हागर का। इलियास सेठ अच्छा आदमी है जी, इलियास सेठ अच्छा आदमी है। और ये लाइव हम इसलिए नहीं रख रहे क्योंकि लाइव में अगर कोई गलत चीज़ों का अल्फाजों का इस्तेमाल करता है तो उसी को लेकर अगर कोई हिंसा होती है तो उसका जिम्मेदार कौन है, तो इसीलिए हम लाइव नहीं रख के ये चीज़ आपको बता रहे हैं, क्योंकि जो भी ओपिनियन दे रहा है उनसे 1 मिनट का सवाल जवाब किया जा रहा है कि उनको क्यों मिलना चाहिए बोल के, तो इसी से आपको पता चलता है कि उनकी ओपिनियन की राय क्या है। यह जेंट्स ही छोड़ा, हमारे कोई भी रहने, इलियास सेठ तो रहने, दूसरा कोई तो भी रहने, लेडीज यहाँ पे अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम, अब आप जीत के आपके पास मैं फ़ोन करके बता, नहीं मैं बेंगलोर में हूँ बोलते, रहते घर में। इलियास सेठ होना चाहिए। हाँ क्यों? कि लेडीज़ बोलने में और जेंट्स बोलने अभी जो बोले ना बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो दोनों में से किसको मिलना चाहिए? इलियास सेठ को मिलना चाहिए। हम कनीस फातिमा को मिलना चाहिए। प्रियंक खरगे साहब टिकट देना, इलियास सेठ को दिए तो अच्छी बात, बेहतर है इलियास सेठ को। अब हमारे हिसाब से देखा गया तो इलियास सेठ आना चाहिए, इस वजह से क्योंकि इलियास सेठ हर जगह मौजूद हो सकते हैं, कनीस फातिमा जी भी जो मौजूद होते हैं लेकिन उतना नहीं है, जैसा जो अब ये जैन साहब कुछ भी प्रॉब्लम्स रहा, क्या भी एरे का मसला रहा, कहीं का भी मसला रहा, तो इलियास सेठ आ सकते हैं, हेल्पिंग हो सकती है हमारे को। पूरा BJP कोई भी नहीं, कनीस फातिमा कौन भी नहीं, खाली BJP क्यों बोलो, हमारा वोट हम किसको भी डाले ना, हमारा रोड बेकार है, BJP कुछ ज़्यादा वोट मिलना चाहिए। देखो इलेक्शन तो खरीब आने दो, इलियास सेठ बागवान, क्यों इलियास सेठ एक मर्द आदमी है ना सर, मर्द आदमी है और अच्छे आदमी है ना, अच्छे आदमी है मतलब कुछ भी काम रहा तो वो आके रोड पे ठहर के कर सकते हैं, रात रहने दे दिन रहने दे। दूध कम पड़ रहा सर, बोल को फ़ोन पे बात करे तो एक बार उनके बेटे थे फराजुल इस्लाम साहब से जी, हमारे चाचा, बात करे तो उन्होंने क्या बोले, कहीं और से मदद मिलती तो कर लीजिए,
हमारे से नहीं होता कुछ भी, हमारे से आस मत रखिए, ऐसा बोले। कौन बोले? एमएलए साहब के बेटे। हाँ, में पोल्स हैं, फोकस नहीं है। आओ बोले, कृष्णा रेड्डी साहब को भी कई बार फोन करी, उनका पीओ उठा रहा है। हाँ ठीक है, बात करते बोले, ड्रेनेज नहीं है, नाली नहीं है। अब आके तो इधर बता दो, मैं आपको नाली है क्या, इधर आइए आप। आइए आइए, वेलकम टू PNN 24 न्यूज़। मैं हूं गयासुद्दीन। आज इस वक्त हम गुलबर्गा शहर में, आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम जो मौजूद हैं जो गुलबर्गा के हागरगा क्रॉस पर, तो हागरगा की आवाम से जानना चाहेंगे कि गुलबर्गा नॉर्थ से कांग्रेस पार्टी से किसको टिकट मिलना चाहिए, कौन कैंडिडेट होना चाहिए। जैसा कि इलियास सेठ है, कनीस फातिमा मैडम है, तो दोनों में से किसको टिकट मिलना चाहिए, तो हम आपको ये बताना ज़रूरी समझेंगे कि ये हमारा सर्वे सिर्फ इसलिए चल रहा है कि ये पब्लिक का ओपिनियन सिर्फ इसलिए ले रहे हैं हम, क्योंकि गुलबर्गा नॉर्थ से जो कांग्रेस पार्टी से जो दो नाम सामने आ रहे हैं एस्पिरेंट के लिए, जैसे कि इलियास सेठ है, कनीस फातिमा मैडम, तो दोनों को लेकर सिर्फ ये ओपिनियन चालू है, ना कि MLA कौन बनेगा गुलबर्गा से। तो ये सिर्फ ओपिनियन गुलबर्गा नॉर्थ से, हम आपको बार बार बताना चाहेंगे कि गुलबर्गा नॉर्थ से MLA कैंडिडेट कौन होना चाहिए, तो सिर्फ इसको लेकर ये अब ये सर्वे चालू है, वो भी कांग्रेस पार्टी से। तो ये भी हर, जैसे कि सुपरमार्केट में भी हमारा ओपिनियन हो गया, दरगाह में हो गया, अभी हागरगा क्रॉस पे है, तो सारे ओपिनियन में हमें कमेंट्स नज़र आ रहे हैं कि ये एरिया में सर्वे कीजिए, ये एरिया में ये सर्वे कीजिए, तो इसीलिए सारे लोगों का कमेंट को मद्देनज़र रखते हुए ये ओपिनियन जारी है। तो आपकी क्या राय है इसके अंदर में कमेंट कर ज़रूर आप बता सकते हैं, क्योंकि ये जो ओपिनियन ले रहे हैं हम सिर्फ पार्टी से किसको टिकट मिलना बोल के सिर्फ माइक लगा के हटा रहे नहीं, बल्कि उनसे एक मिनट के करीब करीब उनसे सवाल जवाब किया जा रहा है कि इनको मिलना तो क्यों मिलना चाहिए, उनको न मिलना तो क्यों नहीं मिलना चाहिए। ये सारे ओपिनियन इसी तरह चालू हैं, और ये लाइव हम इसलिए नहीं रख रहे क्योंकि लाइव में अगर कोई गलत चीज़ों का अल्फाजों का इस्तेमाल करता है, तो उसी को लेकर अगर कोई हिंसा होती है तो उसका जिम्मेदार कौन है। तो इसीलिए हम लाइव नहीं रख के ये चीज़ आपको बता रहे हैं, क्योंकि जो भी ओपिनियन दे रहा है उनसे एक मिनट का सवाल जवाब किया जा रहा है कि उनको क्यों मिलना चाहिए बोल के, तो इसी से आपको पता चलता है कि उनकी ओपिनियन की राय क्या है। यह इसी तरह के न्यूज़ देखने के लिए बने रहिए इंडियन न्यूज़ PNN 24 न्यूज़ पे, क्योंकि पठान सुफियान खान की टीम आपको बता रही है अहमदाबाद, बसों कन्यान और गुलबर्गा शहर की बड़ी बड़ी खबरें। थैंक यू। गुलबर्गा नॉर्थ से MLA कैंडिडेट कौन होना चाहिए कांग्रेस पार्टी का, जैसा कि इलियास सेठ है, कनीस फातिमा मैडम है, कौन होना चाहिए या और तीसरा कोई और होना चाहिए? मैडम रहे तो जो है ना क्या है, उन्होंने लेडीज़ का जो है ना कर सकते है, इलियास सेठ रहे तो जो है ना जो है कारोबार वालों को ज़रा देखेंगे करेंगे बोल के थोड़ा उम्मीद है जी। हाँ, इलियास सेठ रहे तो बेहतर रहता मेरे हिसाब से। इलियास सेठ? हाँ, क्यों बेहतर रहता, कुछ किए इलियास सेठ पहले? वो ऐसी बात नहीं है, कारोबार में उन्होंने जो है ना सदर है सो है बागवान बरादरी के, और दूसरी चीज़ क्या है बोले तो जो है ना क्या भी अपने मसले रहते जो है ना आदमियों को बोले तो बेहतर। लेडीज़ कहाँ कहाँ जाएंगे बुरखा ओढ़ के, हमारे कौम के जो है ना लेडीज़ कहाँ कहाँ जाएंगे? मैडम भी कर सकती, ये नहीं कि हम मैडम को गलत नहीं बोलना चाह रहा, कि इलियास सेठ अगर रहे तो जो है ना ये रहता बोलने की बात, ज़रा एक आदमी का पावर अलग रहता, औरत का पावर अलग रहता, एक आदमी जो है ना मैन पावर में जो है ना काम भी जाके बोल सकता है किसके भी सामने, वो बोलना चाह रहे थे बस। हाईकमांड से क्या डिमांड करेंगे अभी आप? हाईकमांड से डिमांड अगर करना अगर है बोले तो जो है ना एक अच्छे पावरफुल आदमी हो तो इलियास सेठ, कुछ मेरी डिमांड है कि जो है ना इलियास सेठ ही रहना बेहतर रहता। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद मकसूद जमा। मोहम्मद मकसूद जमा कल्याणकर। भगवान बिरादरी से आप? नहीं, कल्याणी ब्रादर से हूँ। कल्याणी ब्रादर, इसलिए पूछना पड़ रहा है क्योंकि अगर भगवान बिरादरी के रहे तो इलियास सेठ बोलते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है, भगवान बिरादरी बोल के नहीं, उससे भी नहीं, उनसे मेरा कोई ताल्लुक भी नहीं है इलियास सेठ से, मैडम से भी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन के जो है ना उन भी कर सकते, एक मुसलमान की एक पावरफुल पार्टी होना हम चाह रहे हैं। इलियास भगवान से नजर आता। तो अभी दोनों में से कैंडिडेट कौन होना चाहिए? दोनों में 50-50 चाहे, मैडम में और इलियास सेठ। अगर मैडम रहे तो मैडम तो काम नहीं कर सकते बोले ना। हाँ, इलियास भगवान बोले तो अब क्या है, बिजनेस मैन है उन्हों, अगर उनको भी ऊपर अगर हम विश्वास करेंगे भी बोले तो देखेंगे आगे वक्त बता दो। तो अभी इलियास सेठ आपका ऐसा कहना 50-50 है तो मेरा तो 50-50 और किधर जा रहा 50-50 कोई भी रहने 50-50 मैडम के हाथ से तो काम नहीं होता, वो बोलना चाह रहा हूँ खाली। गुलबर्गा नॉर्थ से कैंडिडेट कौन होना चाहिए MLA का कांग्रेस पार्टी से, जैसा कि अभी इलियास सेठ है, फिर मैडम है, दोनों में से कौन होना चाहिए?
इलियास सेठ होना। इलियास सेठ क्यों होना? एक आदमी होना जरूरी है, आदमी बेहतर है, आदमी बेहतर है। लेडीज क्या है, आप बाहर आ सकते हैं, उन्होंने जो वर्क जो इन्हों कर सकते हैं उन्हों कर नहीं कर रहे हैं। अब गुजरे पर 5 साल से लेडीज बोल रहे हैं, उनसे भी काम आनी हमारे हिसाब से, उनसे भी काम आनी हुई है नहीं हुए। तो फिर आपको क्या उम्मीद है कि जेंट्स आने के बाद में कुछ होगा, कुछ करेंगे ऐसा कुछ? तो फिर इलियास सेठ कुछ करेंगे आपको ऐसा लगता है? इलियास सेठ करेंगे, इलियास सेठ करेंगे बोल रहे हैं। शायद आप बागवान बिरादरी के हैं शायद? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है जी। एक आदमी की जरूरत, मतलब मर्द आदमी रहे तो जरा। आप बागवान बिरादरी से नहीं है? बागवान बिरादरी से नहीं। कौन से बिरादरी? हम शेख है। ये जैसा कि अभी मैडम है फिर इलियास सेठ है, दोनों में से कौन होना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दोनों में से जो होना सिर्फ जेंट्स होना चाहिए, उन्होंने लेडीज हैं कुछ काम कर नहीं सक रहे हैं, और तो मुस्लिम होने से पर्दे में रहते हैं, बाहर आते हैं तो कुछ काम कर नहीं सकते हो ना। लिहाजा कोई भी हो, जेंट्स आ गया तो अच्छा, तो कोई भी पार्टी को हो, उससे हमको कोई कंसर्न नहीं। हर पार्टी एक अम्मा में लगे वही रहते हैं, बस कोई भी हो जेंट्स आए तो बेहतर रहता, वर्क वगैरह हो सकता है थोड़ा। कांग्रेस में तो अभी दो उम्मीदवार हैं। हाँ मैडम है, इलियास सेठ है। तो एक नॉर्थ साउथ दो है ना, किधर से? नॉर्थ में। नॉर्थ में दोनों ठहर रहे हैं। नॉर्थ में कैंडिडेट कनीस फातिमा मैडम चाहिए या फिर इलियास सेठ चाहिए? जेंट्स चाहिए कोई भी हो। हाँ जेंट्स गुलबर्गा नॉर्थ से एमएलए कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी से कौन होना चाहिए? जैसा कि इलियास सेठ। इलियास सेठ, इलियास सेठ, इलियास सेठ क्यों होना चाहिए? इलियास सेठ करा रहे तो जो है ना जरा कामा हो जाते, समझो रुके हुए जो काम है ना वो कामा हो जाते। अभी मैडम कहाँ कहाँ लेके फिरेंगे? अभी मैडम के हाथ से कहाँ हो जाएगा वो काम जो इलियास सेठ कर सकते? पहले क्या है, खमर साहब थे, उन्होंने कर देते थे अच्छे खासे कामा। अभी क्या है मालूम है, अभी इलियास सेठ को जो है ना जरा फिर के करके राउंडिंग पे रहते, इलियास सेठ को मालूम हो जाता है कि कौन सा काम कब और क्या होना है क्या नहीं है। बस यही है हमारी उम्मीद, इलियास सेठ ठहरना आप इलेक्शन में, दूसरा कुछ भी नहीं है। गुलबर्गा नॉर्थ से कांग्रेस का कैंडिडेट कौन होना चाहिए? जैसा कि मैडम है, इलियास सेठ है, कौन होना चाहिए? इलियास सेठ हो। इलियास सेठ। इलियास सेठ, इलियास सेठ क्यों होना चाहिए? इलियास सेठ, इलियास सेठ होना। बोले मैडम भी है? मैडम भी है, अच्छा इलियास सेठ का अच्छा। इलियास सेठ का, इलियास सेठ का क्यों? इलियास सेठ अच्छा काम करते हैं जी, अच्छा काम करते हैं। गुलबर्गा नॉर्थ से एमएलए के कैंडिडेट कौन होना चाहिए? जैसे कि कनीस फातिमा मैडम है, इलियास सेठ है, कांग्रेस पार्टी से जो एस्पिरेंट दो है वे। तो कनीस फातिमा जी, कनीस फातिमा। इलियास सेठ क्यों? पुराने शख्स है जी, ऐसा तो नौजवान की जरूरत भी है, लेडीज से ज़्यादा नौजवान की भी ज़रूरत है। अगर इन्हों भी आए तो कोई बेटर, कोई मुश्किल नहीं है। कौन? इलियास साहब। अच्छा गुलबर्गा नॉर्थ से एमएलए कैंडिडेट कौन होना चाहिए कांग्रेस पार्टी से? जैसे कि अभी दो नाम सामने आ रहे हैं, जैसे इलियास सेठ है, कनीस फातिमा मैडम, और तीसरे भी अगर कोई होना चाहिए तो ये भी ओपिनियन दे सकते हैं आप? नहीं, हमारे मजहब में जो है औरत को बड़ा बनाने का काम नहीं है जी, यानी हमारा रहबर औरत को बनाने का काम नहीं है हमारे मजहब में, उसके हिसाब से औरत नहीं होना चाहिए बस जी। तो कौन होना चाहिए? कोई भी जेंट्स होना चाहिए, जो भी जेंट्स है, जो पार्टी जिस जेंट्स जो भी पार्टी को चेंज करेंगी, इलियास सेठ है तो वो बेहतर ही है, और कोई दूसरा पार्टी चेंज कर ये करेंगी तो बेहतर है वो, मगर लेडीज तो नहीं होना। लेडीज नहीं क्यों? लेडीज नहीं होना हमारे मजहब में नहीं है ना, मुसलमान इस्लाम में जो औरत को बड़ा बनाने का काम नहीं है, औरत को यानी बड़े बनाया यानी उसके यानी फैसला उन करना, ऐसा अख्तियार देने का औरत को काम नहीं है, मर्द फैसले करने का काम है। अब जो है लास्ट टाइम जो मजबूरी थी कर दिए थे सब देने वोट उनको, पर अब तो ऐसा माहौल बन रहा है कि कनीस फातिमा को कोई भी लाइक नहीं कर रहे होता। तो फिर अभी गुलबर्गा कांग्रेस से अभी दो दावेदार के नाम सामने आ रहे हैं, इलियास सेठ के और मैडम का। मैडम को तो नहीं बोले ना, और क्या मैडम सवाल ही बता रहा, बस इलियास सेठ रहे तो बेहतर है। इलियास सेठ तो इलियास सेठ ही भाई, बस एक्टिव आदमी है, ना कुछ करे जैसे। क्या करने की उम्मीद है आपको? इलियास सेठ कुछ करेंगे? हाँ इंशाल्लाह करें जैसे आदमी है, नहीं बोलते। क्या उम्मीद है आपको, कुछ कर सकेंगे? अरे बुलाए तो आते, हम देखते हैं क्या आपको बुलाया है क्या वैसा वैसा। परसों एक आदमी का इंतकाल हुआ था, उसके इंतकाल में तक आए थे, मुझे इतने आए थे। इलियास सेठ रहे थे।
हाँ रिंग रोड पे हुआ था एक आदमी का इंतकाल, ऐसे होना वैसे एक्टिव आदमी होना कोई भी आने वाले वक्त जरूरत कौम के लिए आने वाले फुटबॉल के आने वाले होना हर कोई नहीं। उनका मकान कहाँ है हुसैन गार्डन में हम नगर को ऐसे होना अंदाजा लगा कितने एक्टिव आदमी हो कितना दर्द रखते हैं। गुलबर्गा नॉर्थ से एमएलए कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी से कौन होना चाहिए, इलिया सेठ है फिर कनीस फातिमा मैडम है, दोनों में से कौन होना चाहिए? इलिया सेठ है जी, इलिया सेठ होना। इलिया सेठ हाँ, क्यों इलिया सेठ होना? वो क्यों रहते हैं काम वाम करते ना सभी जी, अब जितना आदमी जाता है औरत नहीं जा सकती कहीं मेरे जी है ना। गुलबर्गा नॉर्थ से एमएलए कैंडिडेट कौन होना चाहिए, जैसे कि कनीस फातिमा मैडम है इलिया सेठ, कांग्रेस पार्टी से कौन होना चाहिए? कांग्रेस पार्टी से तो कनीस फातिमा मैडम, कनीस फातिमा मैडम, कनीस फातिमा मैडम जी। तो गुलबर्गा नॉर्थ से एमएलए कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी से कौन होना चाहिए, इलिया सेठ या मैडम? इलिया सेठ। इलिया सेठ जी, क्यों इलिया सेठ? इलिया सेठ का काम अच्छा है सर जी, इलिया सेठ का काम देखे सर। अच्छा है, क्या क्या किया? अच्छा आपका बहुत कुछ किया है सर। क्या किए, एक काम बताइए तो आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? इलिया सेठ होना चाहिए सर। इलिया सेठ। मैडम क्यों? मैडम का पता ये नहीं है मेरे सर, मैडम का पता ये नहीं है सर, इलिया सेठ होना चाहिए। इलिया सेठ। क्या नाम आपका? मेरा मोहम्मद अजहर। कहाँ रहते हैं? यहीं पर। यहीं पे मतलब? आगरा क्रॉस पे। आगरा। गुलबर्गा नॉर्थ से एमएलए कैंडिडेट कौन होना चाहिए, जैसा कि इलिया सेठ है, कनीस फातिमा मैडम है, दोनों में से कौन होना चाहिए? मैडम। मैडम कनीस फातिमा। मैडम। मैडम जी, क्यों होना चाहिए? क्योंकि शुरू से उन्होंने ही हैं, कमर साहब के बाद जी, तो उनको मिलना चाहिए। उनको ही मिलना चाहिए, मोहम्मद शुएब। गुलबर्गा नॉर्थ से एमएलए का कैंडिडेट कौन होना चाहिए, इलिया सेठ क्या मैडम? दोनों भी होना चाहिए। दोनों भी? क्यों दोनों भी? दोनों भी अपने कांग्रेस तो पार्टी से तो एक ही उम्मीदवार कैंडिडेट रहता, तो अभी दोनों में से कौन एक कैंडिडेट होना चाहिए गुलबर्गा नॉर्थ से कांग्रेस पार्टी से? दोनों पार्टी से क्या बोलेंगे आप, दोनों को ठहरा करेंगे? दोनों को तो नहीं ठहरा। हाँ, तो इसीलिए आप एक ओपिनियन दो कि कौन दोनों में से एक अच्छा काम कर सकता है, या तीसरा कोई है या और? तीसरा जी, ये दोनों में से एक ही अच्छा है। दोनों में से एक ही अच्छा है। हाँ। नहीं, तीसरा भी नाम बोलो आप, नहीं ये नहीं, ये कांग्रेस में ज्वाइन होना चाहिए बोल के जी। दोनों में से एक अच्छा। दोनों में से एक, तो दोनों में से एक में आप सेलेक्ट करो कौन है। ये सेलेक्ट नहीं, नहीं कर सकते। ओके, तो अभी दोनों में से कौन कैंडिडेट होना चाहिए? तो मैं इलिया सेठ बुलाना पड़ता, हमारे तो बिरादरी आदमी है वो तो जी, हमारे तो बिरादरी आदमी है इलिया सेठ। बिरादरी है? हाँ, भगवान बिरादरी है जी। हाँ, तो अभी भगवान के ये बढ़िया सदर है, सदर है। तो अभी कौन होना है फिर गुलबर्गा नॉर्थ से कैंडिडेट, अभी फिर कौन होना चाहिए? इलिया सेठ होना। इलिया सेठ। इलिया सेठ। हाँ, क्यों इलिया सेठ बोल रहे हैं आप? हाँ, कुछ काम किया? अच्छा, काम करे नहीं वो भी नहीं करते रहते हैं चीज़ों। हाँ, तो अभी उन्हें चुना चाहिए, अब हमके नसीब में जो होना, जो आने वाला पार्टी है वो आते रहता है जी। तो गुलबर्गा नॉर्थ से एमएलए कैंडिडेट कौन होना चाहिए कांग्रेस पार्टी से, जैसा कि इलिया सेठ है, कनीस फातिमा मैडम है, तो दोनों में से? मेरे ख्याल में इलिया सेठ। मेरे ख्याल में इलिया सेठ। आपके ख्याल में? मेरी तरफ बोले तो मैं इलिया सेठ इलिया बोल रहा हूँ बस। क्यों इलिया सेठ बोल रहे? मैडम भी है ना, क्या वो नहीं होता उसका सवाल जवाब? अभी थोड़ी देर पहले तो आप इन्हों जरा आंधे नए हैं ना कैंडिडेट, काम करते ही अब मैडम करे ना 5 साल तो करेंगे तो अच्छा करेंगे ना, वो अगर अच्छा करते तो उनका नाम लेते थे। तो अभी इलिया सेठ को मिलना चाहिए हमारा ख्याल है। इलिया सेठ के सके दिख रहे आप? नहीं भाई, उन्हों बावान हैं, हम शेख हैं सके नहीं। गुलबर्गा नॉर्थ से एमएलए कैंडिडेट कौन होना चाहिए, इलिया सेठ क्या मैडम? क्या हम कैसा बोलना है, तो कौन होना क्या नहीं, कौन है उनको डालेंगे, कौन है उनको डालेंगे, कौन पैसे देंगे इलेक्शन में उसको डालेंगे? पैसे भी देंगे हम, वो पैसे की आदमी नहीं है हम। तो फिर दोनों में से एक नाम बोलिए आप, काम अगर चाहिए आपको तो दोनों में से एक नाम बोलिए। अब हम कैसा बोल रहे नहीं बोलते नहीं, वो नाम बोले नहीं जमता हमारे नहीं तक जितने भी जो एमएलए कैंडिडेट कौन होना चाहिए, जैसे कि इलिया सेठ है, कनीस फातिमा मैडम, दोनों में से कौन? अगर स्क्वाड को दूसरे को दिए तो हम बोले तो चले जाता ना। आपका ओपिनियन बोलिए।
हाँ, आपका ओपिनियन क्या? मेरा ओपिनियन है इलिया सेठ को देना चाहिए। इलिया सेठ, इलिया सेठ को क्यों देना चाहिए? क्या बोले? इलिया सेठ को, इलिया सेठ बोले तो क्या है, नया कैंडिडेट होता और उनसे उम्मीद है कि भाई कुछ काम करेंगे बोल के। गुलबर्गा में देखो बुनियादी सहूलतें नहीं है, जैसा रोड है, इलेक्ट्रिसिटी है, पानी है, तीनों भी नहीं है। नहीं, ये बुनियादी सहूलतें तीनों भी नहीं है ना, रोड सही है, ना लाइट सही है, ना पानी सही है। और अभी तक कोई भी लीडर काम करा नहीं, समझो कौन सा पार्टी का भी नहीं करा। चलो हो गया सब, बिजी है। आपके हिसाब से कौन होना चाहिए गुलबर्गा नॉर्थ? देखिए भाई, हमको क्या है, हमको वर्क करने वाला पार्टी कैंडिडेट होना चाहिए, चाहे कोई भी रख दो। वर्क करेंगे ये वर्क, देखिए अभी मैडम तो 5 साल से है, मैडम तो विजिट हो रहे नहीं यहाँ। हागर का आज़ादपुर रोड को ओपनिंग करे मैडम, पोल का ओपनिंग हागर का रोड पे करे मैडम, इधर आए भी नहीं। हमारी रोड जो बनी वो रोड का अभी एक स्लैब डालना बाकी था, उसको एंड करके वो रोड का इफ्तिताह कर दिए। हागर का क्रॉस रोड का जो रोड है, मेन रोड हो, वो रोड का और एक ऊपर का बेड, और एक बेड आना था उसके ऊपर, नहीं आया। उसको जो ओपनिंग कर दिए रोड को, कोई आए नहीं, करे नहीं, कोई पूछे नहीं। आज़ादपुर रोड का ओपनिंग करे मैडम, यहाँ तो आगे देखे भी नहीं। वो क्या बोलते हैं, पोल्स जो है ना, ऊपर के जो पोल्स डाले फोकस हो, उसका ओपनिंग हो गया आज़ादपुर रोड पे, पूरे गुलबर्ग का ओपनिंग वहीं से करे उन्हों। भाई यहाँ चालू है नहीं है, कम से कम आके इंक्वायरी भी नहीं करे ना, उनका कोई कैंडिडेट कराया ना, कुछ नहीं क्या नहीं। यहाँ हमारे पास नाली साफ़ नहीं हो रही, नाली बन के, ये रोड बन के 5 साल हो गए, अभी तक आज तक कोई कॉर्पोरेशन का आदमी नाली साफ़ करने नहीं आया। खाली आ रहे कॉर्पोरेशन वाले, आपका ट्रेड लाइसेंस है क्या, पूछ रहे ये डालो, 2000 फाइन डालो, 1000 फाइन डालो। भाई काम ही नहीं हो रहा, खम्भों की लाइट नहीं है गली में। 100 बार वो उनका कॉल है ना, उनको 100 बार हम फ़ोन करके बोले भाई हमारी गली में पोल्स हैं, फोकस नहीं है, आओ बोले। कृष्णा रेड्डी साहब को भी कई बार फ़ोन करें, उनका पीओ उठा रहा है। हाँ ठीक है, बात करते बोले ड्रेनेज नहीं है, नाली नहीं है। अब आके तो इधर बता दो मैं आपको, नाली है क्या, इधर आइए आप। आइए और ये सुबह और नाली, नाली का कहाँ है नाली, किधर है नाली? नहीं है नाली, नहीं है रोड पे। कैसा पानी लेंगे बोलो आप? ये रोड है आगर का क्रॉस पे, अपोजिट सपना फंक्शन हॉल, गुलशन रहमान कॉलोनी है ये। आज तक नाली नहीं है, नाली के बिना आप सीसी रोड डाले, ना ड्रेनेज है, तो घर का पानी कहाँ जाएंगे? हमारे घर में खड्डा करके रखेंगे हम पानी, नाली जाने के लिए जगह नहीं है। और पानी नल खुल रहा है, 1 वीक में एक बार नल खुल रहा है, इसको पूछना हम। ना कारपोरेटर आ रहा, ना MLA साहब आ रहे, ना कोई वाटर बोर्ड वाला फिनो है, हमारे सादिक भाई है, सादिक भाई को फ़ोन करे तो बोल रहे हो नहीं वो लाइट नहीं है, बीमा से प्रॉब्लम है। इसे बारिश, इतना बारिश, पानी स्टोरेज होने के बाद भी 7 डेज में पानी आ रहा है, 2 घंटे पानी आता, 2 घंटे में कितना पानी आएगा? भाई ये मसला हल करने वाले हैं कौन आखिर गुलबर्गे में? हमारे तो मैडम नॉर्थ के कनिष्ठ फातिमा मैडम हैं, कृष्णा रेड्डी साहब कारपोरेटर हैं, फ़ोन करेंगे? फ़ोन करो तो उन लोग का पीए उठा रहा फ़ोन, नहीं उन लोग बिजी हैं, इधर हैं, आते हैं। अब कारपोरेटर भी जीत के कृष्णा रेड्डी साहब, 2 साल के ऊपर होगा, 2.5 साल हो रहा है, 100 बार फ़ोन कर रहे हैं उनको, पीए उठा रहा उनका फ़ोन, आज तक आके रोड सर्वे नहीं करे। अभी कौन होना चाहिए कैंडिडेट आपके हिसाब से? ये वर्क करने वाला कैंडिडेट होना हमको। अभी इलिया सेठ है, फिर नहीं, इलिया सेठ रहेंदे, नासिर उस्ताद रहेंदे, कनिष्ठ फातिमा मैडम रहेंदे, हमको वर्क करने वाला कैंडिडेट होना भाई। हमारा वोट लेके जीतने के बाद हमको पूछ रहे नहीं, पहचान रहे नहीं। नहीं, हमारा ओपिनियन क्या है, देखिए काम वर्क करने वाला कैंडिडेट होना, चाहे GDS हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे BJP हो, हमको उससे कंसर्न नहीं है, हमको वर्क करने वाला कैंडिडेट होना। मैडम आपके नज़र में कुछ नहीं, हमारे पास तो आज तक मैडम है नहीं है हमारे पास ये रोड पे। आप 100 जगह से कन्फर्म कर सकते हो जी मकुल भाई, हमारे चिच्चा से बात करो आप। मस्जिद है पीछे, आमिना मस्जिद है, जाके देखो आप कितना गंदा है वहाँ पे, बोलो मस्जिद के बारे में। मस्जिद के पास आमिना मस्जिद पे कितना गंदगी है, वहाँ पूरा जाने आने तक भी मस्जिद है। आज तक नहीं है मैडम, मैडम नहीं। तो अभी कौन होना चाहिए? अभी जैसा कि गुलबर्गा नॉर्थ से चल रखे MLA कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी का इलिया सेठ भी का नाम, इलिया सेठ आना है तो मैडम आना, उनका काम है। नहीं नहीं, अभी कैंडिडेट कौन होना चाहिए, इलिया सेठ क्या मैडम? इलिया सेठ को आना। अच्छा जी, इलिया सेठ आना, इलिया सेठ काम करते हो? क्यों इलिया सेठ बोल रहे हैं? आदमी है, उन्होंने कहीं भी जा सकते, आ सकते, लेडीज का क्या है जी? इलिया सेठ को छोड़ के दूसरे कोई आना क्या? इलिया सेठ आना, इलिया सेठ अच्छा आदमी है जी, इलिया सेठ अच्छा आदमी है, इलिया सेठ तो उन्होंने आना चाहिए।
तक से एमएलए कैंडिडेट कौन होना चाहिए कांग्रेस पार्टी से, जैसा कि अभी इलियास सेठ है, कनिष फातिमा मैडम है, दोनों में से कौन होना चाहिए? जेंट्स ही चुना हमारे को, कोई भी रंदे इलियास सेठ तो रंदे, दूसरा कोई तो भी रंदे लेडीज जी, यानी तो नासिर उस्ताद रहे तो नासिर उस्ताद भी रहते जी। लेडीज क्यों आपको बोल रहे हैं? लेडीज को क्या काम नहीं होते, लेडीज के हस्ते जानने का क्या नहीं होते, पाँच साल तो जीता ही ना आप। जीता है भाई, ऐसे छोटे मोटे काम आ रहे बोले तो कहाँ आना जाना उनके हाथ से नहीं होता, लेडीज के हाथ से। जैसा जेंट्स जैसा भी जो भी है हालात को जो भी जो सामना कर सकते हैं वैसा लेडीज नहीं कर सकते। गुलबर्गा नॉर्थ से एमएलए कैंडिडेट कौन होना चाहिए, इलियास सेठ या मैडम? वो जो भी रहेंगे वो होना जो काम करने वाला जी। सेड़म में जो मंडल पंचायत के जो लीडर थे तो हर कोठा हर काम होता था, ये जो रात में पानी नहीं तो लीडर को पकड़ कर ले आते थे, यहाँ पे जीत के आने के लिए वोट के लिए आते, उसके बाद घर पे गए तो नहीं है बोलते जी। ये क्या चीज है, कौन नहीं बोल के बोले जी? हर आदमी बोले, हम खुद अपने आंखों से देखा ही। हाँ, कुछ प्रॉब्लम के लिए भाई लीडर हमारे पास जब जीत के आते तो मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ लीडर जाना जी। खेतों का झगड़ा हुआ लीडर जाना, पुलिस केस में लीडर जाना। हालांकि मंडल पंचायत का एक मामूली सा आदमी, यहाँ पे अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम, अब आप जीत के आए आपके पास मैं फोन करके बोलते नहीं मैं बेंगलोर में हूँ, बोलते रहते घर में जी। क्यों तो ऐसा हो रहा, क्यों ऐसा हो रहा? यह पब्लिक की गलती है, पब्लिक घर में से खींचना, वरना तो अकाल देना जी। हमारे पास क्या बोलते हैं, जीत के आए हम, आप जीत के आपको पूछ रहे हैं बोलते हैं, वही दूसरों को पूछ रहे हैं क्या? हाँ, फिर अब ये गलत है या वो गलत है आपके हिसाब से? कौन होना चाहिए गुलबर्गा में काम करने वाला? अच्छा ना, हम तो सेड़म के यहाँ के नहीं है। सेड़म के? हाँ, सेड़म प्रॉपर। गुलबर्गा में कनिष फातिमा मैडम को पहचानते हैं? हाँ बिल्कुल, अच्छी तरह। इलियास सेठ को? कनिष फातिमा को नहीं पहचानते, खमरुल इस्लाम को पहचानते हैं। 35 साल से थे बोले तो, अब उसके बाद हिसाब डालो अभी आप। तो अभी दोनों में से ऐसा चल रहा है कि गुलबर्गा नॉर्थ से सेड़म के भी आप हैं, तो सेड़म से भी आप ओपिनियन दोगे, दोनों में से कैंडिडेट कौन होना चाहिए? इलियास सेठ होना चाहिए। हाँ, क्यों? कि लेडीज बोलने में और जेंट्स बोलने, अभी जो बोले ना, बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। जैसा कि मैं अभी बता रहा हूँ, मेरे थोड़ा बहुत कुछ मालूम है, बल्कि बता रहा हूँ, नहीं तो मुझे कोई मतलब नहीं। तो कौन होना चाहिए? इलियास सेठ। इलियास सेठ कांग्रेस पार्टी में दो ही है, इलियास सेठ और मैडम, तो दोनों में से किसको मिलना चाहिए? इलियास सेठ को मिलना चाहिए। इलियास सेठ? इलियास सेठ को क्यों मिलना चाहिए? इलियास सेठ को क्यों मिलना चाहिए? नहीं, आदमी है भी अच्छा, कामा भी बहुत करे उन्होंने। कामा किए? ये कामा वो जैसा बस का जब ये बने थे ना उनको, बस का क्या बने थे? बस का कुछ ये बना था ना उनको, लिम्बर चेयरमैन। हाँ, जब बस के कामा बहुत करे ना, वाड़ी शाबाद इधर इधर, बस की सहूलत बहुत थी यादगिर जाने के लिए वो ये दोनों चला थे। आपका नाम? मेरा नाम बाबा जानी जी, बाबा जानी गुलफरोश। बाबा जानी, गुलबर्गा नॉर्थ से एमएलए कैंडिडेट कौन होना चाहिए, जैसा कि इलियास सेठ है, कनिष फातिमा मैडम है? हम कनिष फातिमा को मैडम, जो भी हो कौम का काम करे। हाँ जी, जो भी आए कौम का काम करते, जो भी हमारा ये सोच से हम उनको करेंगे, माइनॉरिटीज के वास्ते जो भी अच्छा वो काम करे, बहुत अच्छी बात है भाई। तो अभी चाहे जैसा मेरा ताल्लुक तो बिदर से है, बिदर से ये मेरे दोस्त है, मैं दोस्त के पास मुलाकात के लिए आया था। गुलबर्गा नॉर्थ से एमएलए कैंडिडेट कौन होना चाहिए कांग्रेस पार्टी से, जैसे कि इलियास सेठ का नाम सामने आ रहा है, फिर कनिष फातिमा मैडम है, दोनों में से कौन चाहिए? इलियास सेठ तो सही है, फिर भी क्या है मालूम है, अब बड़े लोग किसको टिकट देते हैं क्या मालूम है, बड़े लोग अब प्रियंक खेरगे साहब टिकट देना है, इलियास सेठ को दिए तो अच्छी बेहतर है, इलियास सेठ को। इलियास सेठ? हाँ, इलियास सेठ को दिए तो बहुत बेस्ट देना, अभी रनिंग एमएलए है ना कनिष फातिमा। मैडम का मालूम है, मैडम का कुछ भी क्या भी आ रहा नहीं इसमें, कुछ काम में कुछ भी दिखे नहीं दे जैसा दिख रहा। तो अभी किसको मिलना चाहिए? इलियास सेठ को दिए तो बेहतर रहता। आप क्या चाहते? देखो, आज के हिसाब के, आज के दौर के हिसाब से, यहाँ के हालात के हिसाब से इलियास सेठ हमारे लिए बेहतर है। क्यों बोले तो हर चीज़ में बढ़ चढ़ कर उन्होंने हिस्सा लेते हैं, लोगों के हर चीज़ में, जैसा कि कुछ भी मसले मसाइल है फ़ोन करते जाते हैं, जब पास जब इमरजेंटली विजिट होते हैं उन्हों। अब कनिष फातिमा का मसला तो ऐसा है, अब उन लेडीज़ है, उन्होंने भी अच्छा वर्क करे नहीं बोल करना, लेकिन उनके पास वहाँ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है पब्लिक को, इसलिए अब हमारा तो राय ये है, हमारा जहन ये है कि इलियास सेठ को टिकट मिले तो बहुत बेहतर रहेगा। तो
अकबर भाई पूछो बोलते आपकी क्या राय है, आपकी क्या राय है? नहीं भाई किसकी नहीं जानता, सब अच्छे हैं, दोनों अच्छे। गुलबर्गा नॉर्थ से एमएलए कैंडिडेट कौन होना चाहिए, जैसे कि गणेश पातिमा मैडम है, इलियास सेठ है, कांग्रेस पार्टी से कौन होना चाहिए? अब हमारे हिसाब से देखा गया तो इलियास सेठ आना चाहिए, इस वजह से क्योंकि इलियास सेठ हर जगह मौजूद हो सकते हैं, गणेश फातिमा जी भी जो मौजूद होते हैं, लेकिन उतना नहीं है जैसा अब ये जैन साहब। कुछ भी प्रॉब्लम्स रहा, क्या भी हीरे का मसला रहा, कहीं का भी मसला रहा, तो इलियास सेठ आ सकते हैं, हेल्पिंग हो सकती है हमारे को। ऐसा तो बहुत जगह है, हमारे छोड़ तकरीबन हमारे दोस्तों में कुछ भी प्रॉब्लम से हीरे में प्रॉब्लम्स हर जगह आते हैं, इलियास सेठ बुला सकते आते हैं, कनिष्क फातिमा भी आते हैं, लेकिन जरा उनको चार पांच बार बोलना पड़ता है, लेडीज़ से उनको कुछ प्रॉब्लम रहती है, घर के कुछ भी रहता मसला, तो इतना सटनली नहीं आ सकते जितना इलियास सेठ आ सकते हैं। क्या क्या है आपका इलियास सेठ ऐसा? बहुत जगह ऐसे बहुत से चीज़ों में है, जैसा कि अब दुकान का मसला रहा, कुछ इलीगल ऐसा कुछ भी रहा, प्रॉब्लम्स रहा, तो आते हैं आके जो ना कहाँ डीसी ऑफिस जाके, वो ऑफिस जाके पूरे काम करा सकते हैं। बागवान बिरादरी के? नहीं 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 नहीं, बागवान बिरादरी का नहीं। कौन से बिरादरी? हमारा सैयद घराना है, बागवान बिरादरी, किससे भी हमारे कंसर्न है। हम इस वजह से बता रहे हैं कि इलियास सेठ एक मजबूत कैंडिडेट है, इस वजह से बता रहे हैं, क्योंकि हर प्रॉब्लम हमारे को क्या है मालूम है, कैंडिडेट अच्छा रहना हमारे को, हर हमारे कुछ भी मसाइल रहते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स रहती हैं, सटनली इमरजेंटली पहुँच सकना हम लोग, हाँ भाई तुम्हारा ये प्रॉब्लम है, सॉल्व होना प्रॉब्लम हो, बस हमारी आवाम की ये गुजारिश है कि भाई अच्छा कैंडिडेट मिलना हमको, अच्छा मजबूत कैंडिडेट मिलना। अंधेरे में से बीजेपी आती है, बीजेपी गुलबर्गा नॉर्थ से एमएलए कैंडिडेट कौन होना चाहिए, जैसा कि इलियास सेठ है, कनिष्क फातिमा? क्या नहीं, पूरा बीजेपी से कोई भी नहीं, कनिष्क फातिमा कौन भी नहीं, खाली बीजेपी। क्यों बोलो, हमारा वोट हम किसको भी डाले ना, हमारा रोड बेकार है, बीजेपी कुछ ज्यादा वोट हो कैसा हो, आप देख रहे नहीं क्या हालात कैसे हैं चल रहे, बीजेपी कुछ जाती भाई। गुलबर्गा नॉर्थ से एमएलए कैंडिडेट कौन होना चाहिए, इलियास सेठ साहब है, कनिष्क फातिमा मैडम है, कांग्रेस पार्टी से किसको मिलना चाहिए, कैंडिडेट कौन होना चाहिए? देखो इलेक्शन तो करीब आने दो, इलेक्शन इलेक्शन तो करीब आया, अभी कैंडिडेट कौन होना चाहिए, हाँ डिक्लेयर होने वाला है बहुत जल्द, देखेंगे सोच को बाजेंगे। क्या सोचे अभी? हाँ दोनों में से कौन होना चाहिए मेरे को? हाँ देखेंगे, पर इलेक्शन तो जब इलेक्शन। गुलबर्गा नॉर्थ से एमएलए कैंडिडेट कौन होना चाहिए, जैसा कि इलियास सेठ है, कनिष्क फातिमा मैडम है, कांग्रेस पार्टी से जो एस्पिरेंट दो सामने आ रहे हैं, तो कौन होना चाहिए? इलियास सेठ बागवान। क्यों इलियास सेठ बागवान होना चाहिए? इलियास सेठ बागवान अच्छा काम करते हैं, क्या भी हुआ तो कभी भी कहीं भी हुआ तो सडनली आते हैं, पूछते हैं, बात करते हैं, क्या भी होगा तो मामला सॉल्व करते हैं। मैडम भी है ना? मैडम नहीं आते साहब, मैडम नहीं आते। क्यों नहीं आते? उन्होंने तो एमएलए थे 5 साल। नहीं आते मैडम, मैडम लॉकडाउन में भी कभी भी नहीं है। लॉकडाउन में नहीं है? नहीं है। इलियास सेठ है? इलियास सेठ है। आगे क्या करे, कुछ दिए क्या, चुप आगे गए? आगे देखे, देख के पुलिस वालों को समझाए, बोले करने दो गरीब लोगों को। 20 रुपये किलो, 20 रुपये जी। तो आगे समझा के करके गए? हाँ, क्योंकि लोग कोरोना के पीरियड में भूख से भी मरे बहुत सारे लोग, कुछ किए हेल्प? हाँ करे हेल्प। क्या किए? ऐसा गरीब हाँ कुछ भी गए, कुछ भी मसला रहा तो हल करें जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूनुस। हाँ गुलबर्गा नॉर्थ से एमएलए कैंडिडेट कौन होना चाहिए, जैसे कि इलियास सेठ है, कनिष्क फातिमा मैडम कांग्रेस पार्टी से, तो कौन होना चाहिए? कांग्रेस पार्टी से सर इलियास सेठ होना। इलियास सेठ एक मर्द आदमी है ना सर, मर्द आदमी है और अच्छे आदमी है ना, अच्छे आदमी है, मतलब कुछ भी काम रहा तो को आके रोड पे ठहर के कर सकते हैं, रात रहें दे दिन रहें दे। औरत नहीं आ सकती सर, ना औरत काम कर सकती, तो औरत नहीं कर सकती, नहीं कर सकती बोल के बोले तो 5 साल जीता है ना आप लोग, आज मिल के जीता है ना, वही गलती करे ना सर जी, वही गलती करे ना बोलो, तो गलती करे क्या काम करे बोलो। हमारी एहतियात कॉलोनी में लॉकडाउन में दूध भेजते थे सर, दूध कम पड़ रहा सर बोल को फ़ोन पे बात करे थे एक बार उनके बेटे थे फराजुल इस्लाम साहब से जी, हमारे चाचा बात करे तो उन्होंने क्या बोले, कहीं और से मदद मिलती तो कर लीजिए, हमारे से नहीं होता कुछ भी, हमारे से आस मत रखिए, ऐसा बोले। कौन बोले? एमएलए साहब के बेटे फराजुल इस्लाम। हाँ क्या बोलते बोले?
नहीं हमारे से इतना जो था हमारे से नहीं होता बोल के बोले हम क्या चीज़ मदद क्या से बोले थे एहतियात कॉलोनी में लॉकडाउन में राशन बोलो कॉलोनी पूरे गरीब आए सर वहाँ खाली दूध बेच रहे थे उन्होंने दूध कम दे रहे सर ज़्यादा दे बोले नहीं होता बोले उन्होंने नहीं होता कहीं और से मदद मिल रही तो कर लीजिए बोले थे उन्होंने तो फिर अभी क्या चाह रहे हैं हम सर कांग्रेस पार्टी से तो इल्या सेठ इल्या सेठ क्या करे लॉकडाउन में बहुत मदद करे सर उन्होंने पाकिटा बेचे गोश बेचे हर चीज़ बेचे उन्होंने लॉकडाउन में राशन बेचे उन्होंने भी बेचे और अली खान साहब उन्होंने भी मदद करे बहुत हाँ अली खान साहब भी मदद करे लेकिन उन्होंने बोले नहीं मैडम खाली दूध देखो पूरे क्या बोलते सब तरफ बोले उन्होंने हम वहाँ मदद करे क्या करे क्या भी नहीं करे हम हाँ तो इल्या सेठ को मिलना चाहिए हाँ इल्या सेठ को मिलना सर आपको क्या लगता है कि इल्या सेठ को टिकट मिलेंगी वो जीतेंगे भी कुछ कर पाएंगे वो सर हमको खाली आधी रात को बुलाए तो भी आदमी होना सर काम क्या सर हमारे सपोर्ट को क्या भी रहा देखो यहाँ रहने वाले हो ना हमको बेंगलोर जाने वाले नहीं होना कोई भी हमको यहाँ रहने वाले होना सर कोई भी रहने वो MLA क्या मेरा नाम मुनव्वर है सर ओके ओके सर